तो आज हम कक्षा 9वीं में अभी हमने पार्ट वन में पढ़ा था परमाणु की संरचना। अब ये भाग दो है। अब हमने परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसने एक प्रयोग किया था, तो उसने अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पतली पन्नी पर। तो जब उसने जो अपना निष्कर्ष बताया, निर्णय लिया, उसमें कुछ कमियां थी। उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो ये मान, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब विभिन्न कक्षाओं में ये क्या करेंगे, घूमेंगे, तो घूमने से क्या होगा कि उनमें ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण होगा। ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से टकरा जाएंगे, और नाभिक में टकराने से जो नाभिक परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। जबकि मानते हैं कि परमाणु कैसा है, स्थायी है। तो ये कमी थी एक रदरफोर्ड के मॉडल में, कि क्या कमी थी कि जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। तो उसके बाद बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल परमाणु के बारे में बताया। तो अब हम पढ़ेंगे बोर का परमाणुक मॉडल। बोर का परमाणुक मॉडल, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक कक्षा में, तो उस कक्षा को हम बोलते हैं विविक्त कक्षा।
जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो निश्चित कक्षा है विविक्त कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा और परमाणु कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। और इस प्रकार जो कक्षाएं थी, जो विविक्त कक्षा थी, जो कक्षा थी, बोर ने बताया कि उन कक्षा को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। और उसने इस प्रकार, देखिए आप, ये हो गया नाभिक, ये क्या है? नाभिक। और उसने कक्षाएं बताई और उन कक्षाओं को क्या दिया? नाम दिया। तो ये कक्षाएं हम अंदर से गिनेंगे, बाहर की ओर। ये तो ये जो पहली ये कक्षा, ये तो हो गया आपका नाभिक। ये जो कक्षा थी, ये वाली, ये उसको उसने के नाम दिया, मतलब। और यहाँ पर कक्ष के लिए हम लाएंगे कक्ष क्रमांक एक है तो n बराबर एक। एक भी बोल सकते हैं और आप के भी बोल सकते हैं। आप दूसरा देखिए, उसको l नाम दिया तो ये कक्ष, कक्षा का नाम हो गया दो। ये कक्ष क्रमांक तीन, इसका नाम है m, इसको हम n बराबर, n है कक्षा की संख्या। और इस प्रकार ये n, ये है कक्ष क्रमांक चार, ये है बोर का परमाणु मॉडल। उसने बताया कि किस प्रकार बोर का परमाणु मॉडल और किस प्रकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और उसने विभिन्न कक्षाओं को बताया। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये और इस प्रकार ये तीसरी और ये चौथी। इस प्रकार बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न कक्षाओं का निरूपण किया और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बतलाई। अब हम पढ़ेंगे, दो कणों की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब तीसरा कण बचता है, वो है न्यूट्रॉन। तो इसके बाद चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, अब हमारा तीसरा जो परमाणु का अपरमाणु कण है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आता है किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की? का अगला पॉइंट है कि जो न्यूट्रॉन है वो अनावेशित कण है। अनावेशित मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये एक अनावेशित कण है। कोई भी आवेश नहीं है। इसको हम न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर होता है।
इस प्रकार न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा। पहली का आपने देखा KLmn, तो अब किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी बोर वरी ने बताया था। तो उसने एक सूत्र बताया था 2n वर्ग। तो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, इसका एक पहला पॉइंट है कि किसी भी कक्षा में e मतलब इलेक्ट्रॉन, संख्या के लिए एक सूत्र है 2n वर्ग। एक अंक है, n है यहाँ कक्षा की संख्या। जैसे आप देख सकते हो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार आप देखोगे 2, पहली कक्षा मतलब n का मान हम कितना रखेंगे 1, और स्क्वायर देखिए आप, ये 1 का वर्ग 1 होगा और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। इस प्रकार हम अगली कक्षा में भी देख सकते हैं, दूसरी कक्षा में ये सूत्र याद करना पड़ेगा 2n वर्ग, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, n की जगह हम क्या रखेंगे 2, और ये वर्ग आप इसको हल करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा। इस प्रकार तीसरी कक्षा में देखिए आप, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, n की जगह आप क्या रखेंगे 3, 3 तिरका 9, इसका घात है ये वर्ग है। तो इस प्रकार तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं। चौथी कक्षा में आप n की जगह 4 रखेंगे, इस प्रकार चौथी कक्षा में 1 4, तो 4 चौके 16, 2 बार करेंगे 16 दूनी 32। ये तो ये 2 KLm और ये n, ये इनको अपन 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, ये अंदर से बाहर की ओर है। तो इस प्रकार विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा ये आपने देखा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, इसका जो दूसरा पॉइंट है कि सबसे बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसको कि हम अष्टक बोलते हैं।
ये आठ है, आठ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि किसी भी परमाणु में उसके अगले कक्ष में, इसको बड़ा है ये, तो इस प्रकार बोर वरी ने ये इलेक्ट्रॉनों कक्षाओं किस प्रकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वितरित होंगे। अब हम आपको कुछ सरल सी परमाणु संरचना दिखाते हैं। जैसे सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। आप देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संरचना, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो क्या होता है कि एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ये इसका क्या है, नाभिक। इसमें प्रोटॉन्स हैं और ये पहला कक्ष है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये सबसे, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। इसका जो परमाणु भार है वो एक होता है। सबसे हल्का क्या है, ये तत्व है। इसके समस्थानिक भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे हीलियम, हीलियम की परमाणु संरचना। हीलियम में देखेंगे कि इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी एक है। दो प्रोटॉन है हीलियम में, प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, दो। तो इस प्रकार उसके बाद हाइड्रोजन के बाद बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में जो तत्व आता है वो आता है हीलियम। हीलियम का संकेत है HE। अब हम पढ़ते हैं कार्बन और सोडियम की संरचना। ये आप क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आपसे ये बनने लगेगा। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चार होती है, अर्थात इसके बाहरी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखिए कार्बन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। ये नाभिक है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन है छः। तो बोर बरी के नियम के अनुसार पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी जो बाहरी कक्ष है चार, तो वो कहलाती है संयोजकता। बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन छह हैं तो प्रोटॉन भी छह होते हैं और न्यूट्रॉन भी छह होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो सोडियम, सोडियम का संकेत Na है, सोडियम की परमाणु संरचना। ये आपको बुक में दी हुई है,
बहुत सारे, शुरू के 18 तत्व, एक आभा सारणी बनी हुई है उसमें तत्वों को जमाया हुआ है। तो आप देखेंगे सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन 11 हैं। कितने हैं? 11। तो पहले कक्ष में आएंगे दो, बोर बरी के नियम के अनुसार ई का वितरण। पहले में दो, दूसरे में 8 और अंतिम कक्ष में आएंगे एक। ये आप देखिए 11 हो गए हैं। ये सोडियम, प्रोटॉन भी उसमें 11 होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 12। ये पहला कक्ष, पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो बना रहे हैं गोले, गिन के बना रहे हैं, ये तो आप सोचो डिजाइन बन रही है, क्योंकि छात्र लोग जब बनाते हैं मन से गोले बना देते हैं। और ये तीसरा कक्ष है और उसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो जो सोडियम है इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। तो हम अब संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता क्या है? संयोजकता की दो तीन परिभाषाएं हैं, हम पूर्व में भी बता चुके हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपने देखा सोडियम का बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन,